हरियाणा के रोहतक के महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में शनिवार शाम को आपसी लेनदेन के लिए दो पक्षों में गोलियां चली। इसमें एक पक्ष के हरियाणा पुलिस के जवान, छात्र नेता सहित चार लोग गोली लगने से घायल हो गए। सभी घायलों को उपचार पीजीआई में लाया गया है। घायलों में हरियाणा पुलिस के जवान गांव आसन निवासी कुलदीप, छात्र नेता एवं पीएचडी छात्र गांव आसन निवासी सुशील हुड्डा उर्फ छोटा, गांव दुबलधर निवासी विदित व गांव खेड़ी आसरा निवासी हर्ष शामिल है। बता दें कि वारदात से करीब एक घंटे पहले एमडीयू में राज्यपाल का कार्यक्रम था। हरियाणा के राज्यपाल तथा महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय में नव निर्मित फैकल्टी डेवलपमेंट सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे थे, जिसके चलते काफी पुलिस फोर्स को भी एमडीयू में तैनात किया गया था। इसके बावजूद भी यह वारदात हो गई। गांव रिठाल निवासी विजय ने बताया कि वह रोहतक में कोचिंग एकेडमी चलाता है। उसने करीब 6,40,000 रुपए दीपक नामक युवक को दे रखे थे। शनिवार शाम करीब 4:30 बजे उसका फोन आया और पैसों का हिसाब करने के लिए बुलाया, जिसके बाद वह भी अपने दोस्तों के साथ एमडीयू में पहुंच गया। वहीं आरोपी युवक भी अपने साथियों के साथ एमडीयू में पहुंच गया। विजय ने आरोप लगाया कि आरोपी युवक ने कहा कि वह 2,00,000 रुपए ही देगा, जिस पर विजय ने कहा कि उसने 6,40,000 रुपए लेने हैं। अगर पारिवारिक स्थिति कमजोर है तो मैं 2,00,000 छोड़ देता हूं, लेकिन 4,40,000 रुपए तो देने होंगे। लेकिन आरोपी युवक ने 2,00,000 रुपए ही देने की बात कही। विजय ने कहा कि जब उसने अपने पैसे मांगे तो देख लेने की धमकी दी। वहीं कहा कि जो हो सकता है वह कर ले। पैसों के लेन देन को लेकर चल रही बातचीत के दौरान विजय के साथ हरियाणा पुलिस के जवान गांव आसन निवासी कुलदीप, छात्र नेता एवं पीएचडी छात्र गांव आसन निवासी सुशील हुड्डा उर्फ छोटा, गांव दुबलधन निवासी विदित व गांव खेड़ी आसरा निवासी हर्ष भी एमडीयू में आए हुए थे। उन्होंने बताया कि पैसों के लेन देन को लेकर आरोपी ने अपने साथियों के साथ फायरिंग शुरू कर दी। इस दौरान कुलदीप, सुशील, विदित व हर्ष को गोली जा लगी, जिसके कारण चारों गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को उपचार के लिए रोहतक पीजीआई में लाया गया, जहां पर चिकित्सकों ने उनका उपचार आरंभ कर दिया। वहीं घायलों को उपचार के लिए शहर के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। इधर पुलिस भी मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है।